वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और अपना न्यू व्लॉग है, न्यू डे न्यू व्लॉग, 365 डेज चैलेंज। मैंने दो तीन दिन से वैसे एक्सेप्ट पहले से ही कर रखा था, मतलब अगर एक्सेप्ट तो नहीं किया था लेकिन और बोला भी नहीं था, लेकिन दो तीन दिन से एक मिनट जस्ट अ सेकेंड तो न्यू व्लॉग न्यू डे में आपका स्वागत है फिर से, मतलब न्यू डे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है फिर से, द एम के व्लॉग्स में आपका स्वागत है फिर से। और ये आज वैसे तो 365 डेज का चैलेंज दो तीन दिन से चल रहा है, मैंने मतलब बोला नहीं प्रॉपरली, लेकिन 365 डेज का चैलेंज चलते रहना चाहिए। मतलब चार पाँच दिन, देखो तीन चार दिन तो हो गए व्लॉग्स रेगुलर आ रहे हैं। और मैं बोलूँगा तो पता है क्या होता है कि मैं अगर ये कह दूँ कि जी मैं 365 डेज का चैलेंज लेना चाह रहा हूँ और ये मैं रेगुलर करके दिखाऊँगा, तो अगर मैं ये बोल दूँगा और अगर एक दिन भी ब्लॉग मिस हो गया तो फिर गालियाँ सुनने को मिलेंगी खानों का सबकी। और ऊपर से ख़ास तौर से मुकुंद गौतम, जो मतलब गौतम नहीं लेकिन मुकुंद, उसको लगता है कि अगर मैंने एक दिन भी ब्लॉग नहीं बनाया तो मेरी एक दिन में ही जान खा जाता है बहुत ज़्यादा। और ये मैं कोशिश पूरी पूरी करूँगा कि ब्लॉग हमेशा डालता रहूँ मैं, क्योंकि मुझे भाई साहब 365 डेज में अगर मान लो 365 व्लॉग्स नहीं भी डले तो एक साल में कम से कम 200-250 इतने तो डलने चाहिए कम से कम। अगर मान लो ब्रेक भी कर लिया मैंने थोड़ा बहुत ब्रेक भी ले लिया मैंने, दो एक दिन का, तीन दिन का, चार दिन का, एक हफ्ते का, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर मैंने मान लो एक दिन भी ब्रेक दे दिया व्लॉग नहीं बनाया तो कम से कम साल में 200-250 व्लॉग तो डलेंगे ना। तो यही चीज़ मेरे को करनी है, एक साल में कम से कम मेरे को 250-300 वीडियो डालनी है किसी भी। मैं ये जल्दी से चाहता हूँ कि एक साल पूरा कंप्लीट होए रेगुलर व्लॉगिंग के साथ, और जितना हो सकेगा मैं व्लॉग शूट करता रहूँगा। सूरज दादा को जल चढ़ा दिया है नीचे जाके, सॉरी अंधेरा हो गया था, आई एम सो सॉरी। तो नीचे जाके अभी शेक पियेंगे क्योंकि फिटनेस की ओर भी बहुत ध्यान देना है। और एक चीज़ और है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है दो तीन दिन से, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना जब मुकुंद गौतम और मैं तीनों गए थे मूवी देखने, उस व्लॉग को भी 3 बज गए रात को एडिट करते करते। नेक्स्ट व्लॉग वृंदावन वाला वो जल्दी से एडिट कर लिया था, उसमें मैं थोड़ा मतलब जल्दी सो गया था मैं 12 बजे के करीब। और इसके बाद जो व्लॉग आया एक और टिक्की वाला और शायरी वाला जो व्लॉग था, उस व्लॉग को मतलब 365 डेज वाला जो मैंने लाइन लिखी हुई है, व्लॉग करते करते भी मेरे को रात के 2 बज गए, दो इसलिए बज गए, 2:30, क्योंकि बीच बीच में मैं मीमी ढूंढ रहा था ना, मीम्स ढूंढ रहा था बीच बीच में ऐड करने के लिए, ऐड ऑन करने के लिए वीडियो के अंदर, तो उन मीम्स को ढूंढने में मेरे को बहुत टाइम लग रहा था। और मतलब मैं चाहता हूँ कि वीडियो अच्छी से अच्छी बने। एक हम लोगों का थोड़ा माइनस पॉइंट पता क्या होता है हमारी ज़िंदगी में, कभी ना कभी कुछ ना कुछ कभी भी मुसीबत आनी होती है। अगर पहले फ़ोन था सैमसंग का था, बढ़िया काम कर रहा था, ख़राब हुआ, ठीक है, ओप्पो का लिया, ओप्पो में सारी चीज़ें सही हैं, स्पीड वगैरह उसकी उनको मतलब वो चलने में भी बढ़िया, बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है उसका, कैमरा बेकार है। अब अगर मैंने ओसमो ले लिया, चलो ठीक है ओसमो ले रहा हूँ, अब अगर इसमें मैं कुछ शॉट्स ले सकता हूँ और मतलब स्लो मोशन भी लेता हूँ, चलो ठीक है ऑस्मो बहुत बढ़िया है, इसने अभी तक बहुत सही काम किया है, अभी तक जो यूज़ किया है मैंने तीन चार दिन नहीं दो ही ब्लॉग है, एक ये वाला ब्लॉग है, इससे पहले वाला ब्लॉग है, तो ये दो ब्लॉग बने हैं, और इससे जो रिव्यू मैंने शूट किया था एक, वो मतलब 3 ब्लॉग हो गए ऑस्मो के साथ। ऑस्मो ने अभी तक तो कुछ मतलब ऐसा मेरे को दिखाया नहीं, हालांकि इसमें बहुत हीटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा देर तक हीट रहता है, मतलब देर तक तो नहीं हीट रहा था, जैसे ही ऑन मैंने कर दिया, धूप में हूँ, ज़रूरी नहीं है कि धूप में ही हीट करेगा, रात को भी मैं जब चांदनी चौक गया था तो व्लॉग कर रहा था तो उस समय भी ये बहुत ज़्यादा हीट हो गया था। तो अब आ जाते लैपटॉप के ऊपर, अगर मैं सोचूं कि लैपटॉप की एडिटिंग बहुत अच्छी करूं मैं वीडियो की एडिटिंग लैपटॉप में, तो भाई साहब लैपटॉप मर जाता है। अगर मैं एक ट्रांजिशन भी इफेक्ट भी डाल दूं ना डाउनलोड करके, समझ लो गया ख़त्म, टाटा बाय बाय हो गई उसकी, तो ये पंगा पड़ जाता है। तो फिलहाल मैं निकलता हूँ पापा के साथ ऑफिस, उनके थोड़ा बहुत काम निपटाऊँ, फिर जल्दी से घर आने की कोशिश करूँगा,
और एक ब्लॉग कोशिश मेरी यही रहेगी कि हमेशा एक ब्लॉग एडवांस रहे मेरा, क्योंकि ये ब्लॉग भी पहले इससे पहले जो ब्लॉग नहीं डाला और ये शूट हो जाएगा तब तक, तो मेरी कोशिश यही रहेगी हमेशा एडवांस ब्लॉग रखूँ मैं, जिससे कि अगर एक दिन मैं गैप दे भी दूँ, लेकिन देना नहीं चाहूँगा, मैं बिल्कुल भी नहीं देना चाहूँगा, उससे गड़बड़ ये हो जाएगी कि अगर मैंने एक दिन भी गैप दे दिया तो अगले दिन ब्लॉग बन पाएगा नहीं बन पाएगा, वो दिक्कत आनी शुरू हो सकती है दिक्कत, क्योंकि कुछ भी लाइफ में हो सकता है, क्योंकि पंगे तो आते रहते हैं मेरे साथ। बाकी आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे मुकुंद गौतम के साथ बीतेगा, बहुत बढ़िया वीडियो बनेगी, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल ही दिया था गौतम का भी यूट्यूब चैनल का उसके, तो अभी फ़िलहाल नीचे चलता हूँ, शेक वगैरह पीता हूँ, फिर घर से निकलते हैं खाना वाना खा के थोड़ा बहुत, ठीक है। मन कर रहा था बोतल से पीने का, तो जो ग्लास में था वो बोतल में डलवा दिया। भाई पैसे खर्च करें तो यूज़ तो करना पड़ेगा ना। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन सी कंपनी का मैं पी रहा हूँ, कुछ रिजल्ट अच्छे अगर सामने आएंगे तभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसे कोई भी नहीं मानेगा मेरी बात। और एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं हो पा रही मेरी, एक्सरसाइज भी शुरू करनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि ब्लॉग एडिट करते करते रात के 2:30 बज जाते हैं मेरे को, फिर सोता हूँ, फिर सुबह 9 बजे आँख खुलती है मेरी, 8:30 आँख खुलती है, वैसे मोस्ट प्रॉब्ली मेरी 8 बजे आँख खुल जाती है, लेकिन 5 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि 3 बजे सो के 2:30 बजे सो के 5 बजे नींद खुल नहीं पाती, तो मुझे एक प्लान बनाना पड़ेगा कि 6 बजे तक घर पे आ जाऊँ मैं सारे काम निपटा के। मैं JBL का मैं देख रहा था कि दो चीज़ें मेरे को चाहिए अभी भी, एक तो इसका माइक अडप्टर जिसके थ्रू सी टाइप अडप्टर मिलेगा एक मेरे को, जो कि कनेक्ट होगा कैमरे में चार्जिंग पॉइंट में, और फिर उसके अंदर एक ऑक्स का ऑप्शन है उसी अडप्टर के अंदर, फिर ये JBL का माइक इसलिए देख रहा था क्योंकि बहुत बढ़िया माइक है, मेरे दोस्त ने गौतम ने ये माइक लिया है JBL का, तो बहुत ही अच्छी नॉइज़ का इंसुलेशन है, मतलब पंखे के ऊपर माइक को रखा हुआ है, पंखे की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, सिर्फ माइक के अंदर जो हम बोल रहे हैं सिर्फ वही चीज़ रिकॉर्ड कर रहा है, नॉइज़ कोई भी नॉइज़ नहीं आ रही किसी भी तरीके की। 800 रुपये का पड़ेगा ये मेरे को, और बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही बढ़िया, लेकिन बस मेरे को सिर्फ इसमें GoPro में पता नहीं मिलता है नहीं मिलता ऑक्स का ऑप्शन, लेकिन ऑस्मो में तो नहीं है, उसके लिए पहले 3500 रुपये खर्च करो, उसके बाद फिर 3500 रुपये खर्च करने के बाद, वैसे तो सस्ते भी हैं 2000 का भी है, लेकिन मैं देखूंगा कि कौन सी अच्छी कंपनी है वहां से मंगाऊंगा। नॉर्मल जो फ़ोन का कैमरा होता है उसके साथ कनेक्ट होके पता नहीं एक या दो बार ही चला था, लेकिन फिर उसके बाद हमारे को ओपन कैमरा ऐप डाउनलोड करनी पड़ी फ़ोन के अंदर, तब जाके वो माइक काम कर रहा था JBL का, लेकिन ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं आई JBL में कि हम थर्ड पार्टी ऐप क्यों डाउनलोड करें अगर हमें माइक चलाना है, तो ये सिर्फ मेरे को एक डिसएडवांटेज लगा, बाकी तो माइक बहुत बढ़िया है, बहुत नॉइज़ कैंसिलेशन सबसे बढ़िया है।